हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कई लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई दुबई में सेल्सी ऑपरेटर को जॉब कैसे मिलेगा, कितनी सैलरी मिलती है, उस पर एक फुल डिटेल से वीडियो बनाइए। तो गाइस, आज इस वीडियो आप लोगों को बेसिकली उसी के बारे में बताएंगे कि दुबई में सेल्सी ऑपरेटर को जॉब कैसे मिलेगी, कितनी सैलरी मिलती है और एक सेल्सी ऑपरेटर महीने का कितना कमा के घर भेज सकता है। बट बने रहेगा वीडियो में, आगे आप लोगों को कोई जानकारी देने वाला हूँ। बट आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में घंटी का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको और का रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दुबई में सीएनसी ऑपरेटर की उतना डिमांड नहीं है जितना कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के वर्कर की डिमांड है। आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई की किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर जाती है तो जो कंस्ट्रक्शन फील्ड के वर्कर होते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, फिटर, वेल्डर, उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट आती है उसमें 100 बंदे, 200 बंदे, 300 बंदे की रिक्वायरमेंट आती है। अगर सीएनसी ऑपरेटर की किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है तो उसमें 4 बंदे, 5 बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बंदे की रिक्वायरमेंट आती है। तो इसलिए दुबई में उतना डिमांड नहीं है सीएनसी ऑपरेटर की जितना कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के वर्कर की डिमांड है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया था कि भाई दुबई में सीएनसी ऑपरेटर की डिमांड है कि नहीं है। तो देखिएगा, इस डिमांड तो है बट उतना ज़्यादा नहीं है कि जितना कि कंस्ट्रक्शन फील्ड के वर्कर की डिमांड है, क्योंकि किसी भी कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है सीएनसी ऑपरेटर में तो 10 बंदे, 5 बंदे, 15 बंदे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदे की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, तो उसमें उन्हीं लोगों को जॉब मिलेगी जो लोग एजेंटों के संपर्क में रहेंगे या ऑफिस के संपर्क में रहेंगे, उन्हीं लोगों को इजीली जॉब मिलेगी। नहीं तो आप ऐसा सोचेंगे कि हाँ वहाँ पे हज़ारों की संख्या में रिक्वायरमेंट आती है, तो वैसे ऐसा नहीं है। आपको तभी जॉब मिलेगा सीएनसी ऑपरेटर का जब आप ऑफिस के संपर्क में रहेंगे। ऑफिस के संपर्क में रहेंगे या एजेंट के संपर्क में रहेंगे तो किसी कंपनी की रिक्वायरमेंट आएगी तो वो आपको बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी कब बहुत सारे लोग ऐसे पेपर अपना लेकर के घूम रहे हैं, ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं, तो भी उनको जॉब नहीं मिल रहा है। और आप लोग सोचेंगे कि मैं हमको घर बैठे जॉब मिल जाए, तो वैसे ऐसा होने वाला नहीं है। आपको ऑफिसों का चक्कर लगाना पड़ेगा, एजेंटों को और ऑफिसों के संपर्क में रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग बता दूँ कि अगर आपको दुबई में जॉब पाना है सीएनसी ऑपरेटर का, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप ऑफिस के संपर्क में रहिए। और ऑफिस के बारे में अगर आपको पता नहीं है अच्छी ऑफिस के बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 5 से 10 मंथ और ऑफिस के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग जाकर के देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उस ऑफिस का, आप जाकर के देख लीजिए और ऑफिस को विजिट कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो ऑफिस का नंबर है, ऑफिस का एड्रेस है, आप लोग डायरेक्ट ऑफिस से बात कर लीजिए कि हाँ अगर दुबई की किसी कंपनी की सीएनसी ऑपरेटर में रिक्वायरमेंट आती है तो आप लोग उनको बताएंगे, तो वो जाकर के अपना इंटरव्यू विजिट कर सकते हैं। तो जब आप ऑफिस के संपर्क में तभी आपको जो मिलेगी ऐसे जो आपको नहीं मिलेगी। और दूसरा चीज़ है कि अगर आप दुबई बीच वीजा पे आने में समर्थ हैं तो आप बीच वीजा पे आकर के यहाँ पे जॉब हासिल कर सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए आपको जॉब ढूंढना पड़ेगा, तब आपको इजीली जॉब मिलेगी। ऐसे आपको जॉब सीएनसी ऑपरेटर की नहीं मिलेगी, सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक है, जो लोग सीएनसी ऑपरेटर हैं दुबई में जॉब करना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको दुबई में इजीली जॉब नहीं मिलेगी सीएनसी ऑपरेटर का। उसके लिए अगर आप वीट वीजा पे आने में समर्थ हैं तो आ सकते हैं, यहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तभी आपको जॉब मिलेगी। नहीं तो आप एजेंट के संपर्क में तब जॉब मिलेगी। और तीसरी बात आती है कि सैलरी कितनी मिलती है। तो वह देखिए, दुबई में जो एक सीएनसी ऑपरेटर को सैलरी मिलती है फ्रेशर बिल्कुल स्टार्टिंग में, वो है 1400 दिरहम से लेकर 1600 दिरहम। आपको 8 घंटे का बेसिस सैलरी मिलेगा, यानी कि इंडिया का 30,000 से लेकर के 40,000 तक आपको 8 घंटे का बेसिस सैलरी मिलेगा। उसके बाद ओवर टाइम होगा, कंपनी आपको एकोमोडेशन यानी कि रूम हो गया, खाना हो गया, लिव सैलरी हो गया, आने जाने के टिकट आपको 2 साल के बाद देगी, और जो भी बेनिफिट हुई कंपनी आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, यानी कि एक सीएनसी ऑपरेटर दुबई में महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकता है। लेकिन तो 50 से 60 हज़ार रुपये कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जॉब ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जॉब मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे सीएनसी ऑपरेटर की बहुत कमती कंपनी है, और यहाँ पे जैसे कि कंडक्टर वगैरह यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है दुबई में, आप लोगों को पता है। लेकिन तो जो सीएनसी की जो कंपनियाँ हैं वो कमती हैं, कमती जॉब मिलता है। तो जो लोग दुबई में सीएनसी ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं, कृपया वो ध्यान दीजिएगा कि आप लोग एजेंटों के संपर्क में रहेंगे तभी आपको इसलिए जॉब मिलेगी, नहीं तो आपको अन्यथा जॉब नहीं मिलेगी। तो 8 घंटे का बेसिक सैलरी मिल जाता है 1400 से लेकर 1600, उसके बाद कंपनी आपको खाना देगी, खाना देगी तो वो आपको 300 दिरहम अलग से खाने के लिए देगी। और ओवर टाइम हमेशा चलता है, 4 घंटे, 6 घंटे, नहीं तो डे नाइट चलता है, ओवर टाइम हमेशा चलता है सीएनसी के काम में। ठीक है, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड खुद है जो सीएनसी अभी ऑपरेटर है जबल अली दुबई में काम कर रहा है, तो उसकी कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता था कि यहाँ रिक्वायरमेंट है, बट उसकी कंपनी में अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आप लोग एजेंटों के संपर्क में रहेंगे तभी आपको जो मिलेगा, नहीं तो अन्यथा आपको जो मिला मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई दुबई में सीएनसी ऑपरेटर के बारे में वीडियो बनाइए, कितना सैलरी मिलता है। तो गाइस, आई होप कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो लोग दुबई आना चाहते हैं
उनको आने से पहले पता चल जाए कि दुबई में अभी के टाइम में सीएनसी ऑपरेटर का जॉब पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लोग एजेंटों को पैसा दे देते हैं आने के लिए यहाँ पे, बट एजेंट पैसा लेकर के उनको दूसरे काम में भेज देते हैं, वहाँ पे दुबई में उनको काम नहीं मिलता है जिस काम में एजेंट से भेजते हैं। तो जब भी आना सोच समझ करके आना, किसी एजेंट से किसी ऑफिस से आना तो सोच समझ करके आना। और अभी के टाइम में तो गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है, देखिए इस रूम में एसी चल रहा है उसके बावजूद भी गर्मी हो रहा है, बाहर टेम्परेचर 50 होने वाला है, ठीक है। तो अभी गर्मी धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। तो जब भी आना केयर करके आना, ध्यान से आना। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ है।